गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे और दो टोपोलॉजी के बारे में, वो है ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। कल अगर किसी को वीडियो में समझ में नहीं आया कि मैंने रिंग टोपोलॉजी क्या बोला था और मैश टोपोलॉजी क्या था, तो फिर से आज थोड़ा बहुत रिवाइज कर देता हूं अगर समझ में नहीं आया तो। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है? रिंग के तरह कनेक्टेड होता है, ठीक है, और ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शन मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शन मतलब एक ही, एरो देके मैंने समझाया, देखो एक ही तरफ से। मतलब मान लो इस तरह होगा, मैं इस तरह नहीं होगा, दोनों साइड में नहीं होगा, यूनिडायरेक्शनल एक ही साइड में होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी, क्योंकि ये देखने में रिंग की तरह होता है और इसका एक ही कनेक्शन, अगर एक ही नोट, अगर यहाँ पर मान लो एक कंप्यूटर है, अगर एक ही नोट खराब हो जाता है, एक ही नोट मान लो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, इशू हो गया, तो कनेक्शन क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। फेल होने के बाद क्या होगा? ये भी कनेक्शन लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये रहा रिंग टोपोलॉजी। अब मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या बताया था? मान लो ये पांच कंप्यूटर है मेरे पास, चार कंप्यूटर ही मान लो, ठीक है। इसके साथ एक कनेक्शन होगा, इसके साथ एक कनेक्शन होगा, इसके साथ एक कनेक्शन होगा, फिर ये भी इसके साथ कनेक्शन होगा, इसके साथ कनेक्शन होगा, इसके साथ कनेक्शन होगा। तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है? इसका मैंने डिसएडवांटेज बताया था, क्योंकि वायर बहुत ज्यादा लगता है और वायर का कॉस्ट बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो एक नोट दूसरे नोट के साथ क्या होता है? कनेक्टेड होता है। एक नोट दूसरे नोट के साथ कनेक्टेड होता है, तो मतलब इसका एक एडवांटेज है कि अगर कोई भी डिफॉल्ट आ जाता है, मतलब कोई भी कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो सब कंप्यूटर एक साथ, कनेक्शन लूज नहीं होगा, क्योंकि हर एक कंप्यूटर एक के साथ कनेक्टेड है। दैट इज द मैश टोपोलॉजी। समझ गए? तो आज जो हम लोग टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे वो है ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये लास्ट है टोपोलॉजी का, जो छह टोपोलॉजी था, वन था क्या था? बास टोपोलॉजी, सेकंड वाला था स्टार टोपोलॉजी, थर्ड वाला था रिंग टोपोलॉजी, फोर्थ वाला था मैश टोपोलॉजी, और आज जो फिफ्थ समझाऊंगा वो है ट्री और सिक्स हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। आप लोग वीडियो फॉलो कीजिए और अच्छी तरह से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। और अगर ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा आपके लिए इजी होगा, क्योंकि कहीं से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग इजीली आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो आज जो टोपोलॉजी है वो क्या है? ट्री टोपोलॉजी। इट हैज अ रूट नोड एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू इट फॉर्मिंग ए हायरार्की। It is called hierarchical topology. It should at least have three levels to the hierarchy. That means, देखो ट्री टोपोलॉजी क्या होता है? ट्री टोपोलॉजी ट्री के तरह, मतलब पेड़ के तरह होते हैं, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी क्या होता है? पेड़ के तरह होते हैं। इसका जैसे रिंग टोपोलॉजी में क्या था? एक नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड था। इसके बाद स्टार टोपोलॉजी क्या था? स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल सेंट्रल हाफ था, जिसके साथ हर एक सेंट्रल हाफ के थ्रू हर एक नोड कनेक्टेड था हर कंप्यूटर के साथ। इसमें क्या है? ट्री टोपोलॉजी क्या है? ट्री टोपोलॉजी भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ट्री देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रूट बोलते हैं। रूट एक कंप्यूटर होता है, इसके साथ हर एक कंप्यूटर क्या होता है? कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और ये देखने में क्या, मतलब इस टोपोलॉजी को हम इसलिए ट्री कहते हैं, ये पेड़ के जैसे होते हैं। मतलब एक कंप्यूटर रहता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से साथ लिंक होता है, फिर जैसे पहला एक कंप्यूटर है, इसके साथ कनेक्ट हुआ, एक कनेक्ट हुआ, फिर इस कंप्यूटर से और दो कंप्यूटर कनेक्ट हुआ, फिर एक कंप्यूटर से और एक दो कंप्यूटर कनेक्ट हुआ। मतलब ये हायरार्किकल टोपोलॉजी है, इसलिए टोपोलॉजी है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट। अब देखो इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? मान लो ये कंप्यूटर पूरा, ये नोट क्या हो गया? लॉस्ट हो गया, किसी वजह से कनेक्शन
टूट गया तो क्या होगा, बाकी जितना भी कंप्यूटर है उन लोगों का कनेक्शन, उनका कनेक्शन क्या हो जाएगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सेंट्रल है, क्योंकि इसके ये रूट है, रूट ही अगर ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा, हर एक कंप्यूटर का लिंक क्या हो जाएगा, कनेक्ट डिसकनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हम लोगों का ट्री टोपोलॉजी। तो अब देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, एक्सटेंशन ऑफ बास एंड स्टार टोपोलॉजी। ये क्या है एक्सटेंशन, इसमें बास और स्टार टोपोलॉजी का एक्सटेंशन है, एक्सपेंशन ऑफ नोड्स इज पॉसिबल एंड ईजी। हम जितना भी उसको एक्सपेंशन कर सकते हैं हम कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल इसलिए है, देखो एक कंप्यूटर है, इसके बाद एक वायर से दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट, उस कंप्यूटर से और एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर कनेक्ट किया, इस तरह हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इजीली मैनेज एंड मेंटेन। हाँ, मैनेज इजीली कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। एरर डिटेक्शन इज इजीली डन। हाँ, एरर अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम इजीली डन कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ पॉसिबल एरर आता है तो हम लोग डायरेक्ट कहाँ पर, मेन जो रूट नोड होगा उसको चेक करेंगे। ठीक है, जो अब हम लोगों का ये हो गया मेरा 4 एडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी। अब डिसएडवांटेज क्या है, हैवीली केबल्ड। हाँ, जितना भी कनेक्ट होगा एक नोड के साथ दूसरा नोड, फिर दूसरे नोड से और दो कंप्यूटर नोड, तो क्या होगा, तब क्या होगा, हैवीली केबल्ड, केबल बहुत ज़रूरत होगा, क्योंकि हम लोग नोट के साथ एक कंप्यूटर के साथ दूसरा कनेक्ट, दूसरा कंप्यूटर से और दूसरा कनेक्ट, इस तरह करेंगे तो कंप्यूटर का केबल बहुत चाहिए। इसके बाद इसका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, अगर एक एक केबल का कॉस्ट बहुत होता है तो केबल बहुत चाहिए होगा तो इसका कॉस्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इफ़ मोर नोट्स आर एडेड, इफ मोर नोट्स आर एडेड मेंटेन्स एज डिफिकल्ट। अगर मैं बहुत सारा नोट्स कनेक्ट करता रहता हूँ, मान लो मेरे पास एक कंप्यूटर है, फिर मैंने 20 30 30 या 40 कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट कर दिया, तब क्या होगा, मेंटेन्स करना क्या होगा मेरे लिए, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सेंट्रल हाफ फेज नेटवर्क फेल्स, मैंने यही कहा है कि अगर रूट फेल हो गया तो जितना भी कनेक्ट किया है अपने वो पूरा ख़त्म हो जाए। जैसे स्टार टोपोलॉजी, एक हाफ रहता है, हाफ के साथ सब कुछ, ए हाफ रहा और आप सबके साथ क्या होगा, कनेक्ट रहता है। ठीक है, अगर हाफ ख़राब हो गया तो हर एक कंप्यूटर का नेटवर्क चला जाएगा। सेंट्रल नेटवर्क सेम है, इसका भी एक रूट रहता है, इसके बाद इसको कनेक्ट करो, इसके बाद इसका कनेक्ट करो, इसका अगर एक नेटवर्क क्या हो गया, फेल हो गया, तो क्या होगा, हर एक कंप्यूटर का नेटवर्क चला जाएगा। सिंपल थिंग, इफ़ वन नेटवर्क इज़ फेल, सेंट्रल नेटवर्क इज़ फेल्स, देन ऑल नेटवर्क्स आर लॉस्ट, मतलब नेटवर्क्स क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हो गया, नेक्स्ट जो है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी देखो, इस टोपोलॉजी हाइब्रिड का मतलब क्या है, मिक्सचर ऑफ टू टोपोलॉजीज। ओके, देखो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था, हाफ ये हम लोग को स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं ना, और ये क्या है, ये रिंग टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, और ये क्या है, ये कौन सा टोपोलॉजी है, बास टोपोलॉजी। मैंने बताया था कि एक से ज़्यादा टोपोलॉजी मिलने के बाद जो यूज़ होता है उसको हम बोलते क्या है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं स्टार टोपोलॉजी, स्टार। इसको क्या बोलेंगे, रिंग, ये बास। तो यहाँ पर कितना टोपोलॉजी यूज हुआ है, तीन टोपोलॉजी, थ्री टोपोलॉजीज आर यूज्ड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड टोपोलॉजी, जहाँ पर एक से ज़्यादा टोपोलॉजी यूज होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ओके, अब हाइब्रिड टोपोलॉजी देखते हैं। इट इज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी व्हिच इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी। मैंने यहाँ पर कितना टोपोलॉजी यूज किया था, टू और मोर, यहाँ पर थ्री टोपोलॉजीज आर यूज्ड। तो यहाँ पर क्या बोला डेफिनेशन में, इट इज़ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी व्हिच इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज। फॉर एग्जांपल, इफ इन एन ऑफिस इन एन वन डिपार्टमेंट रिंग टोपोलॉजी इज यूज एंड इन अनदर स्टार टोपोलॉजी यूज कनेक्टिंग दिस टोपोलॉजी शुड रिजल्ट इन हाइब्रिड टोपोलॉजी। वही सिंपल थिंग, अगर मान लो किसी ऑफिस में किसी ऑफिस में व किसी जगह
आप लोग तो क्या यूज़ कर रहे हो, कहीं पर भी मान लो स्टार टोपोलॉजी यूज़ हो रहा है, कहीं पे रिंग टोपोलॉजी यूज़ हो रहा है, ठीक है, और कहीं पे हाइब्रिड टोपोलॉजी यूज़ हो रहा है। तो जब और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस तीनों टोपोलॉजी को कनेक्ट कर देते हैं एक साथ, तो उस टोपोलॉजी को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड टोपोलॉजी। देखो सिंपल है, सिंपल अच्छी तरह से देखो, ये सब क्यों मैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि नेटवर्क सब्जेक्ट, नेटवर्क जो होता है कंप्यूटर में वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके ये अगर कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हो, कहीं पे भी आपका कोई भी क्वेश्चंस अराइज हो आप लोग इजीली आंसर दे पाओगे, सिंपल। तो आई होप आपको टोपोलॉजी पूरा याद हो जाएगा कि कितना टोपोलॉजी है और कौन सा किस तरह रहता है। तो हाइब्रिड क्या है, दो तीन टोपोलॉजी मिलके जब एक साथ कनेक्टेड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो एडवांटेज देखते हैं, एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी के, रिलायबल एज एरर डिटेक्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग इज इजी। हाँ, इसमें एरर आप एरर इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। इफेक्टिव, स्केलेबल एज साइज कैन बी इंक्रीज इजीली, आप इसको इजीली इंक्रीज कर सकते हो, और फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, कॉम्प्लेक्स इन डिज़ाइन में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है और कॉस्टली, बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि मैं अगर नॉर्मली एक टोपोलॉजी यूज़ करता हूँ, स्टार टोपोलॉजी, इसका रिंग टोपोलॉजी, इसके बाद अगर दो तीन टोपोलॉजी एक साथ यूज़ करूँगा तो कॉस्टली तो होगा ही, क्योंकि हम लोग जब एक दो टोपोलॉजी यूज़ करते हैं तो उसका ही कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, डिज़ाइन में ज़्यादा होता है। आप तीन चार करेंगे एक साथ यूज़ तो उसका कॉस्ट तो ज़्यादा होगा ही। तो ये रहा आप लोगों का टोपोलॉजी पार्ट। तो सिक्स टोपोलॉजी मैंने क्या क्या है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है आप लोगों को मैंने समझा दिया है, अब सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है, और मैं तो नोट्स प्रोवाइड कर ही दूंगा। कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करना होगा क्योंकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे तो आप इजीली उसको आंसर, कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इसको इजीली आंसर दे पाए, और एग्जाम में भी कोई भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक से आप लोग इजीली उसको आंसर कर पाए, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि टोपोलॉजी क्या है। थैंक यू, ठीक है।